जैसा कि मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोस में अपकमिंग 2021 जीप कंपस फेसलिफ्ट के बारे में जानकारी दी है, वैसे ही आज इस वीडियो में मैं आपको जीप कंपस के 7 सीटर वेरिएंट से जुड़ी जानकारी दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप कंपस और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज और बेस्ट कार्स इन एवरी सेगमेंट जैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 7 सीटर कंपस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपस के 7 सीटर वर्जन को फॉरेन कंट्रीज में तो काफी बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइट किया गया है, लेकिन इंडिया में इसको पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइट किया गया था। इस स्पाइड इमेज में आप दो कंपस मॉडल्स को देख सकते हैं एक साथ, जिसमें से एक 2021 कंपस फेसलिफ्ट है और दूसरी 7 सीटर वेरिएंट है कंपस फेसलिफ्ट का। जो ये रेड सर्कल से मार्क्ड एसयूवी है वो नई कंपस का 7 सीटर वेरिएंट है। वैसे इसके और 5 सीटर वेरिएंट में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 7 सीटर वेरिएंट कंपस में आपको ज्यादा व्हील बेस और लॉन्गर रियर होवर हैंग मिलेगा, जिसके कारण थर्ड रो सीट इस एसयूवी में फिट की जा सके। व्हील बेस में भी कोई ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं आएगा। चलिए अब 7 सीटर कंपस की बाकी स्पाइड इमेजेस की बात कर लेते हैं। ये सारी स्पाइड इमेजेस आप कंपस के 7 सीटर वेरिएंट के प्रोटोटाइप मॉडल को देख सकते हैं। हालांकि ये मॉडल्स बहुत ज्यादा कवर्ड थे, लेकिन तब भी इन मॉडल्स के व्हील बेस और ज्यादा लेंथ से हमें ये पता चल सका है कि ये 2021 कंपस के 7 सीटर मॉडल्स हैं। तो ये तो होगी 2021 कंपस 7 सीटर वेरिएंट की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की भी बात कर लेते हैं। 7 सीटर कंपस में हमें 5 सीटर कंपस में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं, जिनमें से एक होगा 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 166 पीएस की पीक पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। और दूसरा इंजन होगा 2 लीटर मल्टी जेट टर्बो डीजल इंजन, जो कि 170 पीएस की पीक पावर और 350 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ZF टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। इन दोनों इंजन के पावर और टॉर्क आउटपुट को 7 सीटर कंपस के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना बढ़ाया जाएगा वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो ये तो होगी 7 सीटर कंपस के इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात कर लेते हैं। 7 सीटर कंपस में हमें फुली लोडेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि फुल LED हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, 18-inch अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, LED फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10-inch टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक टायर VM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फ्रंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-zone ऑटोमेटिक AC, रियर क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो पार्क असिस्ट, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स और 4-wheel ड्राइव सिस्टम जैसे ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी में इस SUV में हमें 9 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट कॉलिजन अवॉइडेंस, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन वॉच कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 7 सीटर कंपस के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात कर लेते हैं। जीप इस कंपस को इंडिया में 2021 जून में लॉन्च कर सकता है और ये SUV करीब 22 लाख से 32 लाख के बीच प्राइस कर सकती है। और लॉन्च होने के बाद ये SUV टाटा ग्रेविटास, 2021 महिंद्रा XUV500, हुंडई टूसॉन, होंडा CRV और महिंद्रा एल्टुरस G4 जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2021 7 सीटर जीप कंपस से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।